अरे बेटा क्लैप करो भैया इनके लिए, जोरदार तालियां इनके लिए, इनकी लास्ट टाइम भी रैंक अच्छी थी। अरे योगेंद्र तुम शर्मा रहे हो, पंद्रहवीं पोजीशन पे भी 600 ही नंबर है मुजीब अहमद जी के। क्लैप कर दो भैया मुजीब भाई के लिए अपने। 14 पोजीशन 600 नंबर है श्वेता पटेल जी के। क्लैप कर दो भैया, श्वेता पटेल कहाँ है, फटाफट आओ बच्चे, आप लोगों को पता है आप लोग पहले से बाहर आ जाओ, इधर आ जाइए। श्वेता पटेल वो आ रही, ताली बजा भैया जोरदार। कौन अदिति का? हाँ इस बार इनका मामला गायब है। नहीं अदिति की थी फिफ्थ रैंक है। हाँ श्रेया का मामला इस बार गायब है। श्रेया की है, कौन सी रैंक है, सिक्स है। आ जाओ बच्चा, क्लैप कर दो भैया बच्चे के लिए। 13 पोजीशन है 601 नंबर साजिद अहमद। 12th पोजीशन 610 नंबर श्रद्धा गुप्ता। आइए श्रद्धा गुप्ता जी के नंबर गड़बड़ा गए क्या, क्लैप कर दो भैया इनके लिए भाई। आइए श्रद्धा मैम। अरे कोई बात, साजिद आ साहिल ले लो तुम उसकी जगह पे, बायोलॉजी का कोई ना कोई तो है। क्लैप कर दो भैया इनके लिए। आदित्य अग्रहरी 615 नंबर और 10वां 620 नंबर दीक्षा कुमारी। आ जाओ भैया, ये दीक्षा कुमारी है, क्लैप कर दो दीक्षा कुमारी के लिए। और देख दो आदित्य भाई के लिए, क्लैप कर दो आदित्य भाई, फोटो खिंचा ले जरा। अबे फोटो खिंचा ले तुमने, आ गए भाई ये। 9th पोजीशन अर्शिया राशिद 620 नंबर। 8th पोजीशन 621 नंबर प्रगति वर्मा। आ जाओ बेटा क्लैप कर दो भैया बच्चों के लिए। वेरी गुड। फिर 7th पोजीशन प्रदीप कुमार भाई 625 नंबर और 6th पोजीशन श्रेया गुप्ता 630 नंबर। वही बच्चे जो लगातार नंबर लेके आ रहे, वही तो बाकी लोग सिर्फ ताली बजा रहे, बाकी लोग सिर्फ ताली, वो ताली बजाने के लिए ही है। क्या करो भैया, अरे और ताली भी कम से कम अच्छे से बजाओ यार। भाई तुम लोग खुद नंबर नहीं ला पा रहे हो तो कम से कम ये देखो, कोई देखो देखो ये सेलेक्ट नहीं होगा कभी भी, अभी अभी एक पूरे जीवन में सेलेक्ट नहीं होगा। अभी अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले लोगों से बता रहा था, आज आपने देखा केकेसीए ग्रुप पर एक बैंकर और रैंकर वाला, तो मैं आज उनको बता रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैसे काम कर रहा है, बैंक का सिर्फ कोचिंग में जाता है, ताली बजाता है और वो करता है ये जो कर रहा था, और कोचिंग को पैसे दे रहा है बस। रैंकर की संख्या बहुत कम है, रैंकर का मतलब टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों की बात कर रहे हैं, और एक रैंकर लाता है 100 बैंकर। तो आप लोग तो बस बैंकर बन रहे, यहाँ पे खड़े होकर आप देखिए वही स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं लगातार लगातार, वही स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं, वही पैसे लेके आपके जा रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ पेपर दे रहे हैं ताली बजा रहे हैं, तो ये गलत है। बाकी अभी सारे से भी आ रहे हैं लेट आए, तो आप ही सर मोटिवेट कर दिए मेरी। सर एक बार एलएन के डायरेक्टर ब्रजेश महेश्वरी जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि सर आप लोग ये जो बैच बनाते हो 2-2 लाख बच्चों का, तो कैसे वो मैनेज करते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात कही, बोले हम मैनेज तो बस 5000 बच्चों करते हैं भाई, 1,95,000 जो बच्चा है वो हमको पैसे देने के लिए यहाँ आता है, उससे हम कोचिंग चलाते हैं, उससे हम फायदा उठाते हैं, बाकी तो सब बेकार है यार। बोले वैसे 5000 पढ़ने वाले हैं, उन्हीं में कंपटीशन है, उन्हीं में से 200-400-500 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, वो हमारे लिए बाहर से स्टूडेंट लेके आएंगे, हाँ रैंकर लेके आएंगे, वो बाकी बैंकर हैं भैया जो आ रहे हैं पैसा दे रहे हैं, उन्हें ना पढ़ना है ना लिखना है कुछ नहीं।
तो सर आप रैंकर बनो, समझे सर? और जिस तरीके से महीने में क्या चमत्कार हो जाएगा यार? चमत्कार नहीं, देखो एक बात तुमको बताएं, जब बच्चा सेलेक्ट होता है ना, जिस साल सेलेक्ट होता है, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, तुम्हें बुरी लगेगी मेरी बात, यहाँ एक दो बच्चों को छोड़ दो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ, टॉपर जो तुमको हमेशा मिलेगा वो ट्वेल्थ का बच्चा मिलेगा, चाहे IIT हो चाहे नीट हो, जो टॉप कर रहा है वो ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, फर्स्ट रैंक, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन होता है। यहाँ जो है वो सब मैक्सिमम रिपीटर है, 1 साल तैयारी कर चुके हैं। हाँ, कुछ होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने एक दो बच्चों को छोड़ दो ये कहा है, एक दो चार बच्चों को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी जो आप लोग बैठे हो ये क्या सोच के बैठे हो? आप 3 महीने अभी तैयारी करोगे तो आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाओगे, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको टाइम लगेगा। और वो भी देखो, जिस साल तुम जागोगे कि हाँ अब मुझे मेहनत करनी है, उससे कम से कम 2-3 साल, एकदम फैक्ट है बात, एकदम फैक्ट है, कड़वी है, बाद में मुझे गाली दोगे कि बहुत आरामी था, ठीक, एकदम फैक्ट है, लेकिन गुरु सही बात बोल रहा हूँ, जिस साल सेलेक्ट हो गए उससे 2-3 साल पुरानी तक की मेहनत चाहिए होगी, फिर आदमी बाउंड्री पे पहुँचता है, फिर बाउंड्री पे फिर 1-2 साल लटका रहता है, फिर जाके लास्ट के जो 10 नंबर बढ़ाने होते हैं ना, वो बढ़ाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आप अपनी मैक्सिमम मेहनत कर चुके होते हो, समझे सर? इसलिए अभी 3 महीने लगोगे तो कुछ ना कुछ गेन होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव में जाओगे, थोड़ा उठोगे, लेवल उठेगा तुम्हारा, और 3 महीने में हो भी सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, अगर शुरुआत से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये 3 महीने लग के पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो लेवल राइज होगा, वो आगे काम आएगा, फिर बीच में अगर ब्रेक दे दिया तुमने तो फिर बेकार हो जाएगा। तो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि आपको लगातार मेहनत करनी है, ठीक है सर? हाँ, तो फिर उसके बाद 7th पोजीशन प्रदीप कुमार भाई, 6th श्रेया गुप्ता जी आ गई, 5th पोजीशन है अदिति वर्मा जी की, देख लिया आपको, जब ताली बजा दो यार, कम से कम ताली तो बजा सकते हो। 4th पोजीशन अमन कुमार वर्मा, आ जाओ बेटा, बेटा साई सर, अरे ताली नहीं बजी यार, तुम लोग यार क्या कर रहे हो यार अमन भाई के लिए? अमन भाई लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, यही बच्चे लगातार परफॉर्म ही कर रहे हैं। 3rd पोजीशन 640 नंबर है हरीश सिंह, वेरी गुड। और 2nd पोजीशन 652 नंबर है विकास यादव, और 1st पोजीशन 656 मार्क्स हैं शादान अहमद। क्लैप करो भैया इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियों से भैया इनका स्वागत करा जाए। क्या नाम भैया आपका? हरीश भाई। 3rd पोजीशन वाला चेक दो और भैया फोटो खिंचाओ। साहिल सर मेडल पहनाइए इनको सर। मेडल नहीं है? मेडल 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 कुशवाहा जी मेडल दीजिए। पूरा सर मुरीगन सर बना दीजिए। अरे ताली बजाओ यार, जोरदार तालियां यार। 2nd पोजीशन आते भैया, आइए बच्चे, क्लैप करो इनके लिए, जोरदार तालियां भैया। विकास यादव जी, अरे अरे फिर आजा बच्चा, और ये भाई तो लगी रहा था फर्स्ट मारेंगे, क्लैप कर दी भैया इनके लिए। क्या नाम है भाई साहब का? सादान अहमद, बहुत बढ़िया। इनके लास्ट ईयर भी नीट में बहुत अच्छे नंबर है ना, 596 मार्क्स है इनके। अरे ताली बजाओ यार इनके लिए, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। 596, इस बार ये 690-700 नंबर मारने वाले हैं, ठीक है भैया? मेहनत करो, 600 प्लस तो पहुंचो, वरना फिर भीड़ बढ़ाओ यार, फिर तो भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं।